नीतीश कुमार आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मांझी जी, आज नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और संतोष जी जो है आपके बेटे, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं सरकार में। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी है हमें कि चूंकि हम भी वहाँ पर साथ थे, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है और शपथ ग्रहण के लिए आज 4:30 पर समय दिया है। तो इस अवसर प्रदान करने के लिए महामहिम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार से 15 साल चलाए, कुछ और करने की जरूरत हो, कर करके 5 साल बिहार के जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूरी करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और जहां तक जो आपने कहा मेरे बेटे को, तो जब तक के वारंट इशू नहीं होता है या टेलीफोनिक टॉक नहीं होती है, तब तक के नहीं कहा जा सकता है कि कौन मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं 40 वर्ष के राजनीति लाइफ में कि वारंट आ गया और कार्ड लेके लोग गए हैं, रो में बैठे हैं जी। और उसके बाद उनका नाम नहीं रहा। अच्छा। तो ये भी हुआ है। तो जब तक ओथ नहीं ले लिया जाता है तब तक के कहना मुश्किल है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ओथ ले लेंगे उसके बाद हमसे बात कीजिएगा, हम बात करेंगे। अच्छा मांझी, दूसरी चीज से बात करेंगे। आप कांग्रेस को लगातार मतलब न्योता दे रहे हैं कि उन्हें आके एनडीए को समर्थन देना चाहिए। कल शिवानंद तिवारी ने भी कांग्रेस को जमकर लताड़ा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन का इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ है। देखिए, जो जहाँ का रोटी खाता है उसका गुण गाता ही है। तो शिवानंद तिवारी जी के बेटे विधायक हो जा रहे हैं, अपने जदयू में थे, बाहर हो गए, तो आज से राजद की बात वो क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और उसके लोग अभी भी हैं। अब उनके चलते कुछ गड़बड़ हुआ है ये तो उनकी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार के संबंध में जो रैलियाँ हुई, सम्मेलन हुए, उसमें जो एक तबके के लोग जो हुल्लड़बाजी किए और फिर जब एग्जिट पोल आया उसके बाद जो नंगा नृत्य करने लगे, इससे समाज के अन्य लोग भयक्रांत हो गए हैं। और इसी आशंका से पहले भी, क्योंकि उन लोग 2005 के पहले का सीन देख चुके हैं, तो 2005 के पहले का जो सीन देख चुके हैं वो सब आशंकित थे कि इनको पुनः अगर किसी प्रकार से सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो फिर वही होगा। और इसके लिए बिहार की जनता नीतीश कुमार यानी एनडीए के साथ दिया और नीतीश कुमार ने तो जो कहा करके दिखलाया। उन्होंने 7 निश्चय के माध्यम से कहा था, हम गाँव-गाँव रोड दे देंगे, कोई भी डिस्टेंस हो 5 घंटा में राजधानी में पहुंच जाएं, वैसा करके उन्होंने बतलाया। गांव-गांव बिजली देंगे, उन्होंने करके बतलाया। नल जल योजना के तहत या प्रधानमंत्री के सौजन्य से अनेक और योजनाएं चली। तो जो इन लोगों ने कहा एनडीए के माध्यम से, उन्होंने पूरा किया। रही बात कुछ और बात, नई बात, जैसे आप जानते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो सभी खेतों में हम पानी पहुँचाएंगे। हम समझते हैं कि इस चीज़ से बिहार की जनता, खास करके किसान और अनएम्प्लॉयड बच्चे बच्चे जिनको रोजगार मिलने की संभावना है, जब खेती हमारी ठीक होगी तो, उन लोगों ने विश्वास कर करके इनको वोट दिया है। इसलिए किसके गलती से होगा सो बात नहीं है, लोग बिहार की जनता सोच समझ के नीतीश कुमार को वोट दिया है, ये चाह कर कि यही विकास करेंगे। एक तरफ हुड़दंगबाजी थे और दूसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए विकास की ओर बढ़ने वाली पार्टी और संगठन है, तो इसलिए लोगों ने वोट दिया है। तो इसलिए शिवानंद तिवारी जी का कहना वो अपनी बात है और कांग्रेस को जो उन्होंने दोष दिया मेरे समझ से उचित नहीं है। कांग्रेस के लिए जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह राजद के लोग हैं। या कांग्रेस को सामने आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए एनडीए को? देखिए, वो उनकी बात है, किसको समर्थन देंगे नहीं देंगे उसमें हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। या हाँ ठीक बात है, या एनडीए के लोग क्या विचार करेंगे ये अलग बात है। मैं व्यक्तिगत रूप में उस दिन भी कहा था और आज भी हम कहते हैं कि यदि वहाँ पर वो
बढ़िया से नहीं रह रहे हैं, अपने को बहुत दिक्कत रूप में मानते हैं, तो वैसी परिस्थिति में यदि आना चाहें एनडीए में तो व्यक्तिगत जीतन मांझी उनका समर्थन करेगा। एक आखिरी सवाल, आरजेडी को लोग आप लोगों पर भी डोरे डाल रहे हैं, हम पे भी आपकी पार्टी पर, तो क्या इस बार जीतन मांझी फिसलेंगे या फिर एनडीए में बने रहेंगे? अभी तक तो आप लोग ने देख लिया, बात तो हमको समझ में नहीं है डोरे डालने का क्या प्रश्न है। उनको 9 महीना समय दिया गया और क्या कहते थे, हम ये नहीं कहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं हो, हमने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन बने, कमेटी बने, अब 5 लोगों का निर्णय जो हो उसी को मान के चलना है। तब उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, राजद बड़ी पार्टी है, राजद ने डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को कोई नहीं मानेंगे तो उनको रहना है, तो नहीं तो जाएं। तो जब इस परिस्थिति में वहाँ से हम हटे, बाद में उपेंद्र जी भी हट गए, बाद में सहनी जी भी हट गए, तो वैसी परिस्थिति में डोरा डालने का प्रश्न कहाँ उठता है? वापस जाने का सवाल तो नहीं, तो सवाल पत्थर पर डूब जमाना अगर संभव है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन पत्थर पर डूब तो जमता नहीं है। वापस तो नहीं जाएंगे महागठबंधन में? जो कह रहे हैं उस बात को ना आप समझिए, पत्थर पर डूब जमता है क्या? चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया जीतन राम मांझी। इनके बेटे संतोष मांझी आज उनका तय है लगभग नाम मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और मांझी जी का कहना है कि महागठबंधन में वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, 5 साल इसी सरकार में, एनडीए सरकार में वो बने रहेंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।